अगर आप OUT UG 2022 के टारगेटेड एस्पिरेंट हो, ये एक बात ऑलवेज याद रखना कि एनीवन कैन डू हार्डवर्क, बट हार्डवर्क विथ प्रॉपर डायरेक्शन विल लीड यू सक्सेस। मतलब गधा भी मेहनत कर सकता है, लेकिन जो कोई भी हार्डवर्क प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ मेहनत करेगा, उसे सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सच में OUT UG 2022 को क्रैक करना चाहते हो इस बार एट एनी कंडीशन एनी हाउ, तब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा या फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को बस एक बार एंड तक ही देखना। फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली OUT UG के टारगेटेड एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा OUT UG में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बाकी है एग्जाम देने के लिए। ओके, अब आपके दिमाग में ये डाउट डेफिनेटली आ रहा होगा कि इस टाइम हम क्या करें ताकि OUT UG एग्जाम बड़े आराम से क्रैक हो जाए। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि OUT UG एग्जाम कोई आसानी सी एग्जाम नहीं है, ये बहुत ही टॉप लेवल का एग्जाम होता है। उसे क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी विथ प्रॉपर डायरेक्शन काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को एंड तक ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ OUT UG के लिए हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए या फिर स्मार्टवर्क करना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि हार्डवर्क का एक्चुअल मतलब क्या है और स्मार्टवर्क का एक्चुअल मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए। ओके, हार्डवर्क का मतलब ये जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 96% 100 में से 96 स्टूडेंट ये हार्डवर्क करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सिलेबस प्रॉपरली डायरेक्टेड पता होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिलेबस ओरिएंटेड होता है। सेकंड ऑफ ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थर्ड ऑफ ऑल, वो रात रात भर जाकर OUT के लिए प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा बुक सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये रहा फर्स्ट स्टूडेंट। सेकंड जो 4% मतलब 100 में से 4% स्टूडेंट बचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करते हैं। मतलब जितना पढ़ना चाहिए वो उतना पढ़ता है, जितना क्वेश्चन करना चाहिए सिर्फ उसी क्वेश्चन को करता है, जिससे उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता होगा 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हार्डवर्क करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता। आप ये भी सुने होंगे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये जो स्टेटमेंट है इसके पीछे का मतलब ये है, डॉक्टर को पता होता है कि मैंने किस लेवल से, किस तरीके से मैंने डॉक्टर अचीवमेंट किया है। वो सेम टू सेम डायरेक्शन में वो अपने बेटा को बताता है कि इस वे में, इस रास्ते में जा, तुझे डेफिनेटली डॉक्टर बन जाएगा। सेम टू सेम, अगर आप OUT हो, नीट हो, SSC हो, कुछ भी एग्जाम हो, अगर आप प्रॉपरली डायरेक्टेड, प्रॉपरली ओरिएंटेड एग्जाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे, तब आपको OUT UG क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको पता होगा OUT UG में 50% वोटेज 10th और 12th में रखता है, और जो 50% होता है वो है सिलेबस में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कुछ भी सिलेबस चेंजेस हुआ है उसी को ही फॉलो करता है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए हार्डवर्क कर चुका हूँ, सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल, आप जितना भी क्वेश्चन आ सकता है मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कैसे इस बार क्रैक करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दे चुका हूँ कि फिजिक्स में कैसे टॉप करना है, केमिस्ट्री में टॉप करना है, बायो में कैसे टॉप करना है, सब कुछ वीडियो देख लो एक बार, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डाउट आ रहा है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ये पेड सेशन क्यों करे हो, मतलब पेड नोट्स क्यों किए हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो नोट्स बनाने में मुझे 8 घंटा 10 घंटा लगा है। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा भी कुछ वैल्यू है या फिर नहीं, इतना मुझे बता दो। ओके, इसीलिए मैं आपको पेड नोट्स देता हूँ। और ये भी कहता हूँ, अगर आप इस नोट को ध्यान से पढ़ लोगे, जितना भी मैं आपको बताऊँगा उसे फॉलो कर लोगे, तो आपको OUT में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रुक सकता। ये याद रखो कि गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन लास्ट में घोड़ा को ही एक्सपर्ट मिलता है। मतलब वो प्रॉपरली डायरेक्टेड कम हार्डवर्क करता है, लेकिन प्रॉपर वे में, लेकिन गधा में बहुत मेहनत करता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं करता। ये बात ध्यान में रखो। मैंने इसी के वजह से 6 साल, मतलब 6 ईयर्स
मैंने वेस्ट किया क्योंकि मेरे प्रॉपरली डायरेक्टेड हार्डवर्क मैंने नहीं करा था। अगर आप प्रॉपरली डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्टेड हार्डवर्क या फिर स्मार्ट वर्क, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आशा है आपको समझ सच में समझ में आ चुका होगा कि OUT UG कैसे क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है या फिर हार्ड वर्क करना है। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा कि आप कैसे OUT UG ये जो कम दिन बाकी है क्रैक कर सकते हो, वो भी स्मार्ट तरीके से। ओके, और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि OUT UG में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का अगर मैं कर दूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओके, जितना भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, सेकंड है जो कि एक्सपेक्टेड सिमिलर वे में क्वेश्चन होता है, उसी को अगर करोगे ना, ज़्यादा टाइम हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे भागोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ हार्डवर्क करोगे लेकिन सक्सेस नहीं पाओगे। आप स्मार्ट वर्क करो, कम पढ़ो लेकिन सही और सही टाइम पढ़ो और सही वर्क करो। ओके, तो मुझे आशा है मैंने आपको जो भी बता दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।